बच्चों आप सभी को आज की कक्षा में स्वागत है आज की कक्षा में हम स्वावलंबन पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे जैसा कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं प्रश्न दो निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए उसमें से पहला है स्वावलंबन एक ऐसा अस्त्र है जो असफलता रूपी शत्रु का वध कर देता है अपने इस सच्चे मित्र को पहचानो। इसका आशय इस प्रकार है असफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कार्य सही समय पर और सही ढंग से नहीं किया जाता स्वावलंबन इसी कारण को समाप्त कर देता है जिससे हमारी सफलता का द्वार खुल जाता है इसलिए स्वावलंबन को असफलता का शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कहा गया है इसका उत्तर क्या है असफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कार्य सही समय पर और सही ढंग से नहीं किया जाता स्वावलंबन इसी कारण को समाप्त कर देता है जिससे हमारी सफलता का द्वार खुल जाता है इसीलिए स्वावलंबन को असफलता का शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कहा गया है प्रश्न तीन नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग लिखिए नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग लिखी है इसमें से पहला है एक बार एक सज्जन महात्मा गांधी से मिलने गए एक बार एक सज्जन महात्मा गांधी से मिलने गए इसका उद्देश्य है एक सज्जन उद्देश्य क्या है एक सज्जन दूसरा विधेय इसमें विधेय है एक बार महात्मा गांधी से मिलने गए एक बार महात्मा गांधी से मिलने गए प्रश्न हमें अपना काम करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए हमें अपना काम करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए इसका उत्तर है उद्देश्य हमें उद्देश्य क्या है हमें और विधेय अपना काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है हमें और विधेय है अपना काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए प्रश्न ग चिड़िया के बच्चों के अभी पंख नहीं निकले थे प्रश्न ग चिड़िया के बच्चों के अभी पंख नहीं निकले थे उत्तर है उद्देश्य चिड़िया के बच्चों के उद्देश्य क्या है चिड़िया के बच्चों के और विधेय यह है अभी पंख नहीं निकले थे विधेय क्या है अभी पंख नहीं निकले थे प्रश्न किसान अपने बेटे के साथ फिर एक दिन आया किसान अपने बेटे के साथ फिर एक दिन आया इसका उत्तर है सबसे पहले इसका उद्देश्य है इस वाक्य का उद्देश्य किसान और विधेय यह है अपने बेटे के साथ फिर एक दिन आया विधेय क्या है अपने बेटे के साथ फिर एक दिन आया प्रश्न शाम को यह समाचार देते हुए बच्चे आतंकित थे शाम को यह समाचार देते हुए बच्चे आतंकित थे उद्देश्य बच्चे उद्देश्य क्या है बच्चे और विधेय है शाम को यह समाचार देते हुए आतंकित थे विधेय है शाम को यह समाचार देते हुए आतंकित थे बच्चों इस प्रकार आज की कक्षा में हम इन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा किए हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने का प्रयास करें